प्रमोटर के उसको लूप करने लिखा है। आप जरा एक बार आराम से पढ़िए, तब तक एक बार मैं जल्दी से ना सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जरा एक बार समझ लें। सर स्वागत है आपका, बताएं रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़े ऐलान बजट में आपको क्या लगे? नमस्कार अनिल जी, बहुत बड़े ऐलान मुझे दिखाई दिए रियल एस्टेट में। सबसे बड़ी बात जो अर्बन हाइसून के ऊपर 1 करोड़ घरों को बनाने की बात की गई है और उसके अंदर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है वो लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए का होगा। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और भी कुछ चीज़ें आप देखें तो लगभग 14 सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है उसको हब बनाने की बात की गई है। मुझे लगता है ज़रूरी भी है क्योंकि जब हम बात करते हैं इस देश के अंदर जो हमारी बेस्ट सिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड लेवल की सिटीज़ कैसे बनाया जाए उसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का खास फोकस रहा है। और जो अगर डायरेक्ट पॉकेट की बात करें तो महिलाओं के लिए जो भी घर महिलाओं के नाम हो रहा है उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके अंदर डिडक्शन की बात की गई है, मुझे लगता है एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है एक बहुत बड़े रिलीफ की बात। तो आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर होने रजिस्टर होने वाले घरों में स्टैम्प ड्यूटी में कमी की गई, ये अक्रॉस बोर्ड या कुछ राज्यों में? देखिए अक्रॉस बोर्ड की बात की गई जिसमें कि जो राज्य हैं उनको सजेस्ट करेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है खास करके जो रूलिंग पार्टी है उनके जो स्टेट्स हैं उसमें तो जरूर होगा। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो सबसे लास्ट सिटी है इन पे तो डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इंपैक्ट देखेंगे और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो डिडक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो ये आपके लिए बड़ा वादा। अच्छा, प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का एक उन्होंने एलोकेशन की बात की है, ये बताएं कि इसका क्या फायदा मिलेगा, कहां ज्यादा पैसा खर्च होता दिखेगा? देखिए जो एक आम इंसान है उसके ऊपर ईएमआई का जो बोझ है उसको कैसे कम किया जाए, मुझे लगता है जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की जिसकी बार बार बात कर रहे हैं वो इस तरीके से इसको बेनिफिट किया जाएगा जिससे एक जो ईएमआई का बोझ है उसको हम कम कर सकें। जो 2,20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं जो पास ऑन होगा वो थ्रू द ऐसी ही क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। डिटेल जो है वो अभी आनी पेंडिंग है, मुझे लगता है और कोई वे नहीं है जिससे कॉमन मैन को बेनिफिट दिया जा सके। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलेगा। ओके, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बजट अच्छा माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, समझ दिया आपने, विस्तार से बताएं कि बजट से किस तरह के फायदे हो सकते हैं आपकी इंडस्ट्री को। आइए अरुण कुछ और इनकम टैक्स से रिलेटेड।